अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं रहमान अज़हर और मैं सैयद आयशा नाज। बुलेटिन का आगाज दुनिया हेडलाइंस से। जमशेद दस्ती का पीर को स्पीकर अयाज सादिक को गैर अखलाकी सरगर्मियों की वीडियो बतौर सबूत पेश करने का ऐलान। कहते हैं मुल्क में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी दुनिया न्यूज पर। वजीर दाखिला ने जमशेद दस्ती के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं अरकान असेंबली की सरकारी रिहायश गाहों में जाने वाली जिस गाड़ी में एमएनए और सेनेटर्स बैठे हों, इसके सिवा हर गाड़ी की चेकिंग होती है। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट में फायरिंग से एमकेएम के दो कारकुन जां भाग। पुरतशद्दुद वाकयात में हलाकतों की तादाद चार हो गई। सखर में तहरीक इंसाफ का जलसा पंडाल कारकुनों से भर गया। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, इमरान खान खिताब करेंगे। जाली डिग्री केस में गुजरांवाला की अदालत ने नून लीग के साबिक एमएनए मुदस्सर कयूम नाहरा को एक साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। कमरा अदालत से गिरफ्तार। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में 50 साल से कम उम्र अफराद के लिए नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी लगा दी। मुमकिन झड़पें रोकने के लिए नमाजियों को मस्जिद के अहाते तक महदूद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत और लाहौर पुलिस में ठन गई। उमर अकमल केस में पुलिस का दबाव के बावजूद इस्तगासा वापस लेने से इनकार। यूथ फेस्टिवल में आलमी रिकॉर्ड्स बनाए जाने का सिलसिला जारी। 5,351 बच्चों ने मुसव्वरी का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया। एशिया कप में भारत की श्रीलंका के खिलाफ पुर एतमाद बैटिंग, दो विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना लिए। और बॉलीवुड पटाखा गुड्डी आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म टू स्टेट्स का ट्रेलर शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया।